दश अवतार या दस अवतार के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉर्ड गौतम बुद्ध को लॉर्ड विष्णु का नौवां अवतार माना जाता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। उन्होंने इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति की बौद्ध गया में। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में और उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई कुशीनगर में। इन्हीं सभी प्लेसेस को आज बहुत सेक्रेट माना जाता है। बट बौद्ध धर्म में किसी सिंबल का आज अगर सबसे ज़्यादा महत्व है तो वो है स्तूप, और जिनमें मोस्ट फेमस है सांची का स्तूप। क्या आप जानते हैं 19th सेंचुरी के यूरोपियंस में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रेंच और इंग्लिश मैन सांची के ईस्टर्न गेट यानी तोरण द्वार को अपने म्यूजियम में डिस्प्ले करना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने उस टाइम के भोपाल की शाहजहाँ बेगम से परमिशन भी मांगी थी। पर उन दोनों को ही ईस्टर्न गेट की बहुत केयरफुली बनाई गई प्लास्टर की कॉपी देकर सेटिस्फाई कर दिया गया, और इस तरीके से ओरिजिनल्स अपनी जगह भोपाल में ही रही। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इन मॉन्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? इन स्तूपों को क्यों बनवाया गया और इनके अंदर आखिर है क्या? क्यों इनके चारों ओर पत्थर की रेलिंग बनाई गई और इनकी खोज कब हुई? इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानेंगे आज हम इस वीडियो में। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि इन्हें क्यों और कैसे बनाया गया। बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई वर स्तूपास बिल्ड। स्तूप संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है हीप यानी ढेर या टीला। लगभग 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई जो कि मल्लाओं की राजधानी थी। बुद्ध के शरीर को पहले तो दहन किया गया, फिर जो अवशेष बचे उन्हें लेकर कई राजाओं में विवाद शुरू हो गया, क्योंकि हर राजा अवशेषों को अपने राज्य में ले जाना चाहता था और कोई भी इस समझौते के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए इनके बीच हालात युद्ध जैसे बनने लगे। इस विवाद का निपटारा एक द्रोण नामक ब्राह्मण ने किया और उसने कहा कि बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांट लिया जाए, और फिर कुशीनगर में ही बौद्ध के अवशेषों को मल्ल और अन्य राजाओं के बीच बांट लिया गया। इन अवशेषों यानी रियलिक्स को अलग अलग जगहों में ले जाकर धरती में गाड़ दिया गया और उनके ऊपर एक विशेष तरह की आकृति का निर्माण करवाया गया जिसे स्तूप नाम दिया गया। स्तूप बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए आस्था का प्रतीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट फॉलोवर यहाँ बुद्ध को स्थान देते हैं। उनका मानना है कि आज भी बुद्ध स्तूप में निवास करते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इन स्तूप में मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट स्तूप है सांची, सारनाथ, अमरावती और मस्त के स्तूप। बौद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक वंदना के अकॉर्डिंग किंग अशोका ने ही बुद्धिस्ट के रियलिक्स को हर टाउन तक पहुंचाया और उन पर स्तूप बनाने का आदेश भी दिया। सेकेंडरी सेंचुरी BC के दौरान भरूत, सांची और सारनाथ के स्तूप बनाए जा चुके थे। ये स्तूप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। फिर चाहे तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप हो, श्रीलंका का जेतवाना रम्या स्तूप या फिर इंडोनेशिया में मौजूद बोरूबटूर स्तूप, इन सब स्तूपों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ वर स्तूपास बिल्ड यानी इन्हें कैसे बनाया गया। इन स्तूपों की वेदिकाओं और पिलर्स पर मिले इंस्क्रिप्शन से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए डोनेशन का पता चलता है। इन्हें बनाने के लिए डोनेशंस कुछ राजाओं के द्वारा भी दिए गए, जिसमें कि सातवाहन रूलर्स का नाम भी आता है। फॉर एग्जाम्पल सांची का गेटवे यानी तोरण द्वार का पार्ट हाथी दांत का काम करने वाले वर्कर्स के डोनेशन से बनाया गया था। इनके अलावा इन इंस्क्रिप्शंस पर डोनेशन देने वाले मेन, विमेन, भिक्खु और भिक्नियों के नाम भी मिलते हैं। ये स्तूप आज भी फेमस हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए। इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।